शहर हैदराबाद की तुकाराम गेट पुलिस के लोगों ने दक्कन क्लब में रकमी तगल्लुक के इल्जाम में चार लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया है। क्लब के सदर अविनाश गुप्ता ने बताया कि क्लब के 1400 मेंबर्स हैं। इब्तदा में लोगों को 3 लाख रुपए अदा करना पड़ता है, फिर हर माह 625 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह सालाना 4.5 करोड़ रुपए जमा होते हैं, लेकिन साल 2016-17 की ऑडिट के वक्त उस हिसाब में कुछ गड़बड़ी नजर आई, लिहाजा वह पुलिस से रुजू हुए हैं। तुकाराम गेट पुलिस के एडिशनल इंस्पेक्टर श्री जी किशन ने अपनी टीम के साथ गोपालापुरम डिवीजन के ACP श्री के श्रीनिवास राव की निगरानी में कार्रवाई करते हुए क्लब के 4 अराकीन को गिरफ्तार करके कुछ बैंक से लाखों की रकम बरामद की है और आगे की तहकीकात में जुट गए। इस साल जुलाई मंथ में डेक्कन क्लब के 100 ईयर ओल्ड क्लब, मोर देन 100 ईयर ओल्ड क्लब जो सिकंदराबाद में है, प्रेस्टिजियस क्लब, इसमें मनी स्विंडल हो रहा है बोलके क्लब का प्रेसिडेंट अविनाश गुप्ता के कंप्लेंट पे तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन में चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केस रजिस्टर हुआ। उसके बाद वो कंप्लेंट लिए उसका अकाउंटेंट के ऊपर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर कि ये लोग 3 सालों में 30 लाख अमाउंट स्विंडल करे बोल के हमें कंप्लेंट दी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। हमें ये मालूम हुआ कि पहले ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 सालों में 1.4 करोड़, 1.4 करोड़ का मनी स्विंडल हुआ। उसमें सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और अकाउंटेंट ही नहीं है, उसमें और ओल्ड ट्रेजरर्स हैं और इसमें अभी डेक्कन क्लब का सेक्रेटरी जो है उसका भी हाथ है बोल के। इसमें ये 1.4 करोड़ ऐसे स्विंडल हुआ कि जहाँ से क्लब को मनी आता, आई मीन इसका चार वेज दे गेट मनी। एक है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, दूसरी है उसका क्लब का एक्सपेंडिचर जो बैंकेट हॉल लेते हैं, फूड और बेवरेजेस लेते हैं। एक तो कैश और क्रेडिट कार्ड का, मेंबरशिप कार्ड का इसका, और इसमें से मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन एक है और कैश क्लब स्मार्ट कार्ड एक है और फूड आइटम्स का एक है और बैंकेट हॉल बुकिंग का एक है। इस चारों में मिलके 3 सालों का ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 1.4 करोड़ स्विंडल हुआ। उसमें से अभी 30 लाख का सीजर हुआ, बैंक्स में जो डाइवर्ट हुआ वो अमाउंट सीजर हुआ। इसमें से कॉन्स्पिरेसी चला, कॉन्स्पिरेसी क्लब सेक्रेटरी का, अकाउंटेंट का और ओल्ड ट्रेजरर का और नया जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसका, और किसका हाथ है और इन्वेस्टिगेशन में मालूम होगा। अभी तक तो जितना तक इन्वेस्टिगेशन चला उतना तक तो 3 जने आज अरेस्ट हुए और 30 लाख कैश रिकवरी हुआ।